ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 एक्सरसाइज 3.3 का, तो इसमें क्या बोला गया देखिएगा, बेसिकली द स्लेंट हाइट एंड द डायमीटर बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल कर्व, मतलब क्या है कि जो स्लेंट हाइट है वो कितना है 25। देखो पहला स्लेंट हाइट दे रखा है तो पहले वाली वैल्यू स्लेंट हाइट की हो गई, दूसरी डायमीटर दे रखा है तो दूसरी वाली वैल्यू डायमीटर हो गई, रेस्पेक्टिवली का मतलब हमें चीजें ऑर्डर से ही लेना है, यानी स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, क्या करना है, जो कॉनिकल टॉम्ब है उसका पेंट करना है, उसका सरफेस एरिया में व्हाइट वॉशिंग करनी है, व्हाइट वॉशिंग मतलब सफेद पेंट करना है। अब पेंट होगा किसमें, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उसी में पेंट होगा, तो हम क्या वही एरिया पूछा है, और फिर जितने एरिया में पेंट हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है, कितने रुपए का पेंट लग गया या कितने रुपए पेंट कराई का हो गया, ये हमें पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा स्लेंट हाइट हमें गिवन है 25, डायमीटर हमें गिवन है 14, तो अब हम क्या करेंगे, स्लेंट हाइट की हेल्प से और डायमीटर की हेल्प से मेन हाइट निकालेंगे, ये एच। चलिए तो अब जो स्लेंट हाइट है यानी एल इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 25 दे रखा है, डायमीटर डी इक्वल टू 14 दे रखा है, इस डायमीटर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। चलिए तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, आर इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी डायमीटर कितना 14 और ये अपॉन में क्या हो गया 2 आ जाएगा 7 मीटर हो गया। चलिए अब क्या बात करेंगे, हमारा जो स्लेंट हाइट है वो 25 दे रखा, अब हम क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। चलिए जी एच क्या कैसे निकाल सकते, देखिएगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर करके, अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, एल इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, यहां मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूं, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये पहले अंडर रूट नहीं लगाते ऐसे लिखते हैं, तो अब क्या होता है ये एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, लेकिन हमें क्या निकालना, एच निकालना है, यानी एच हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे आर को इस तरफ ले आएंगे, मीन्स एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ क्या रहेगा एच स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्या होगा, एच पे स्क्वायर है, एच पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मीन्स क्या हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा एच पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट आ गया, मतलब अगर आपको एच निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर आपको आर निकालना है तो एल स्क्वायर में से एच सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब एल निकालते हैं तो हमारा दोनों का प्लस हो जाता है आर प्लस एच का, और अंडर रूट लगा देते हैं, जैसे अगर हमें एल चाहिए होता है यहाँ पे, एल चाहिए होता तो अंडर रूट क्या लिख देते आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर आपको एच चाहिए है तो आप क्या करो एल स्क्वायर में से, जो दूसरी चीज देखो तीन चीजें हैं एच और एल और आर, एल सबसे बड़ी साइड होती है, स्लेंट हाइट है, एच बचा आर बचा, तो जो आपको चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर लो, और जो आपको दिया है वो सेपरेट हो जाएगा, मानी रेडियस दिए तो रेडियस सेपरेट हो जाएगी। दूसरा आपको आर निकालना है तो देखिए आर इधर आ गया, तो एल स्क्वायर में से ही सेपरेट करना दूसरी चीज को, तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर सेपरेट कर दिया, तो जब आर यहाँ आ गया तो यहाँ एच ही आएगा, ऐसे भी रख सकते हैं आप, तो ये हमारा एच या आर निकालने का तरीका हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, एच चाहिए था, तो नॉर्मली हमने इसको यहाँ ये लगा लिया, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी हमारे पास है, एल हमारे पास है 25, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, और रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लग गया। चलिए जी 25 का करेंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 225, 7 का 49, इस तरीके से। अब देखिएगा इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना मिल जाएगा हमारे लिए, देखिए 225 और ये हमारा कितना हो जाएगा 49, 15 माइनस 9 6 आ गया,
यहाँ पे वन कैरी करेंगे, इलेवन इलेवन में से इलेवन इलेवन में से क्या गया फोर, तो कितना जाएगा सेवन और यहाँ पे वन, तो अंडर रूट 176 आ गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।